वन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज एंड माइने लॉफ अट्रैक्शन कोच टोन एंजल कार्ड रीडर एंजल थेरेपिस्ट एंड हीलिंग मास्टर हूँ मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ एनर्जी हीलर हूँ सो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आप डायबिटीज़ को किस तरीके से की सकते हैं स्परिचुअल वे में ठीक है स्पिरिचुअलिटी के साथ आप प्रैक्टिस करके किस तरीके से अपने डायबिटीज़ को हील कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं फैमिली मेंबर में भी कोई ऐसा रहेगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं एंड जिनके लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं बहुत ट्रबल्स हैं बहुत स्ट्रगल्स हैं वो डायबिटीज़ से जुड़ रहे हैं ठीक है उनके उनके हेल्थ इश्यूज में डायबिटीज़ हो रही हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं ठीक है डायबिटीज़ ज़्यादा हो जा रही है डायबिटीज़ की वजह से वो बहुत कुछ अपने मनपसंद का चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं तो उस समय आप डायबिटीज़ को क्या क्योर कर सकते हैं तो स्पिरिचुअल वे में येस yes, आप डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखते हैं तो ही ठीक है अगर लॉजिकल माइंड बीच में आया तो आप नहीं कर सकते हो और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी खुद हील होना जानती है अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये भेज दिया कि डायबिटीज़ दाएब, कभी भी क्योर नहीं हो सकती हैं तो वो डेफिनेटली नहीं होंगी लेकिन अगर आपको सच में अपने मनपसंद चीज़ें खानी हैं ठीक है थीके? अपने डायबिटीज़ को क्योर करना है तो तो आपको काम करना होगा आपको उसके लिए एफ़र्ट्स लेने होंगे ठीक है वो ऐसे नहीं होगा स्ट्रेस आपका एक दो दिन से नहीं हुआ है कि तुरंत आप आ, जो है आपकी डायबिटीज़ चली जाएंगी आप पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे स्ट्रेस आया उसके बाद बॉडी में आया आपके और में आया और से आने के बाद आपके बॉडी में गया फिर आप डायबिटिक पेशेंट बन चुके हैं ठीक है तो ये इसमें प्रोसेस है ठीक है इसमें आप काम करेंगे डेली कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप डेफ़िनेटली uh, डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं सो so, मैं स्टेप्स बताऊंगी किस तरीके से क्योर करना है लेकिन अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं अगर आप कंसिस्टेंट uh, डेली रहते हैं एक्शंस लेते हैं तो ही होगा अगर आप प्रोकेशिनेट करते हैं लेजीनेस दिखाते हैं कि आज नहीं देखूंगी सोचूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा एंड अगर आपको है आपके फैमिली मेम्बर को है या किसी और को भी है आप जिनको पहचानते हैं जिनको जानते हैं तो आप उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनकी हेल्प हो जाएंगी अगर वो करते हैं तो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम एनर्जेटिकली हम किस तरीके से डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं इसमें सबसे पहला रूल मैं ये बताऊँगी कि आप फिलहाल जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर्स के गाइडेंस से इंस्ट्रक्शन से आप उसे फॉलो कीजिएगा जो खाने को मना किया है सब कीजिएगा धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर काम करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं आपको कि आप इन गोलियों से गोलियाँ बंद कर दीजिए ठीक है तभी आप पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे लेकिन अभी से ही गोलियाँ जो आपकी मेडिसन्स है वो बंद नहीं करना है कंटिन्यू ही रखना है ठीक है तो पहला स्टेप नंबर वन जो रहेगा वो है स्विच वर्ड्स में आपको दे रही हूँ उन स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करो जोर से स्विच वर्ड्स बोलो और जितना हो सके उतने समय तक चैंट करो टाइमिंग लो इस स्विच वर्ड्स को चैंट करते समय आप गिने गिनना नहीं है गिनिएगा मत गिनना नहीं है दस से पंद्रह मिनट निकालो और आप इस स्विच वर्ड्स को चैंड करो आप इस स्विच वर्ड्स के साथ आप आ, अपने पानी को चार्ज करके भी पी सकते हैं अगर पानी चार्ज करना नहीं पता है कैसा है तो मेरे पिछले वीडियोज़ देखिए उसमें मैंने बता रखा है कि आप पानी को चार्ज कैसे कर सकते हैं ठीक है सो so, आप पानी को चार्ज करके पी सकते हैं स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं आप स्विच वर्ड्स को लिख भी सकते हैं अगर आपको जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो ठीक है साथ में मैं आपको एक एंजल हीलिंग कोड देने वाली हूँ जिसको आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं या उसकी भी आप चैंटिंग कर सकते हैं या फिर सिंपल उस पेपर को उस पे एक छोटा सा पेपर लेना है उसके ऊपर ये नंबर लिख अपने पिलो के नीचे रख देना है जब भी आप सोओगे नींद लोगे उस समय आपके पेल आ, आपके पिलो के नीचे उस पेपर को रख देना है ताकि वो आपके और के साथ कनेक्शन बना सके ठीक तो है तो स्विचवर्ड है टाइनी एडजस्ट शुगर लेवल ठीक है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वापस से मैं बोल रही हूँ टाइनी एडजस्ट शुगर लेवल नाउ एंजल नंबर है एट एट वन नाइन नाइन सेवन सेवन मैं वापस से बोल रही हूँ एंजल नंबर है एट एट वन नाइन नाइन सेवन सेवन ये है एंजल नंबर एंड इसके पहले मैंने आपको बताया वर्ड आपको डेली इन दोनों चीज़ों का जो चैंटिंग है आपको ये दोनों चीज़ों का किस तरीके से आपको काम करना है वो भी मैंने बता रखा है आप इसके साथ काम कर सकते हैं अगर ब्रेसलेट की बात की जाए यानी कि क्रिस्टल की बात की जाए तो ये जो मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है सिट्रीन आप इस ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं आप इस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं सिट्रीन क्रिस्टल का आप यूज कर सकते हैं अब डेफिनेटली मैंने ये पहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डायबिटीज है मैंने ये दूसरे पर्पज के लिए पहन रखा है ठीक है ये उसके लिए नहीं है लेकिन सिट्रल आप सिट्रीन uh, इस तरीके से होता है आ, एक मिनट ये वाला ठीक है ये सो so, इस तरीके का होता है अगर आप चाहें तो अपने सिट्रिन ब्रेसलेट को आप पहन सकते हैं क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं आप इस सिंह क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं लेकिन साथ में इंटेंशन के साथ कि आप इस क्रिस्टल को क्यों पहन रहे हैं ठीक है और जब भी भी आप ये क्रिस्टल को पहन रहे हैं उस समय भी आपको इंटेंशन सेट करना है कि आप इस क्रिस्टल को यानी कि क्रिस्टल ब्रेसलेट को क्यों पहन रहे हैं ठीक है अब हमने बात कर लिया स्विच वर्ड का एंजल हीलिंग का एंजल हीलिंग कोड्स का और साथ में हमारा क्रिस्टल का अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने सोलार चक्रा की हीलिंग लेनी है ठीक है अगर आप एक हीलर हैं पहले से ही आप हीलिंग मोडालिटी में हैं कोई भी एंजल हीलिंग या प्राणिक हीलिंग या रेकी हीलिंग जो भी आप हीलिंग में हैं आपको अपने सोलार चक्र को आ, जो है बैलेंस करके सोना है आप कोई भी टाइम पर कर सकते हैं लेकिन इसे डेली कीजिएगा ठीक है अगर आपको हीलिंग नहीं पता है किस तरीके से करना है तो आप मेरे से हीलिंग सीख सकते हैं रेकी हीलिंग कोर्स मैं हर महीने लेती हूँ अगर आपको सीखना है तो आप मेरे से हीलिंग सीख सकते हैं किस तरीके से खुद की हीलिंग ली जाती है की जाती है ठीक है या फिर आप मेरे से हीलिंग सेशंस को बुक कर सकते हैं मंथली हीलिंग सेशंस को बुक कर सकते हैं ताकि आप अपने सोलर चक्र को बैलेंस कर सकें ठीक है सो ये है चार चीज़ें इनमें से आप तीन ज़रूर कर पाएंगे लेकिन अगर आप हीलर नहीं हैं तो आप ये तीन कीजिए अगर हीलर हैं तो ये चारों कीजिए आपके सोलर चक्र के ऊपर काम करना है ठीक है बैलेंस करना है अपने सोलर चक्रों को या फिर और एक एक ऑप्शन मैं दे सकती हूँ कि आप अपने सोलर चक्रा को बैलेंस करने का मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप इंटेंशन रखेंगे कि आप अपने सोलर चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने डायबिटीज़ को क्योर करना है ठीक है आप ये इंटेंशन कर सकते हैं अदरवाइज़ आप हीलिंग लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा वो फास्ट वे में भी काम करेगा ठीक है एज पर मेडिटेशन ओके सो ये हुई हम लोग डायबिटीज़ को किस तरीके से हील कर सकते हैं इसमें अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे से, से सेशंस लेने हैं हीलिंग सेशन लेने लेने हैं या रेकी सीखना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर जिसका नाम है स्पिरिचुअल कोच सुर भी एट जी मेल डॉट कॉम जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है ठीक है सो so, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आई लव यू ऑल स्टे पॉजिटिव स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स Thank you and bye bye.